बलूचिस्तान में निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए अब्दुल कद्दूस बज़िंजो ने राबते तेज कर दिए हैं। वज़ीर आला अब्दुल कद्दूस बज़िंजो का अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर खान एडवोकेट से राबता हुआ है। वज़ीर आला ने चेयरमैन सेनेट और मेयर खालिद मक्सी से राबता भी किया है। बलूचिस्तान में निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए अब्दुल कद्दूस बज़िंजो ने राबते तेज कर दिए हैं। जानेंगे, ब्यूरो चीफ क्वेटा रशीद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जी रशीद बलोच, बताइएगा, अब निगरान वज़ीर आला के मामले पर राबते तेज हो गए हैं? हाँ जी, देखें, कल बलूचिस्तान असम्बली डिजॉल्व हो चुका है और उसके काबिना भी डिजॉल्व हो चुका है, तो आज से राबते तेज होना शुरू हो गए हैं। इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि अपोजिशन और हुकूमत मिल के कोई रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन आज जो वज़ीर आला बलूचिस्तान के जो ज़राए उनसे मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने आज मलिक सिकंदर आईडू के जो अपोजिशन लीडर हैं बलूचिस्तान असम्बली के, और उसके अलावा वो जमीयत उलमा इस्लाम से उनका ताल्लुक है, तो इनसे उन्होंने राबता किया। उसके साथ साथ जो है उन्होंने बाप पार्टी के जो MNA हैं खालिद खान मक्सी उनसे और चेयरमैन सैनेट से भी राबता हुआ है, चूँकि खालिद खान मक्सी और मीर कुदूस बज़िंजो एक ही पार्टी से हैं और तजिया निगारों के मुताबिक अभी राबता जो है सरदार अख्तर मेंगल से होना बाकी है। मलिक सिकंदर के साथ साथ सरदार अख्तर मेंगल चूँकि वो भी अपोजिशन में है बलूचिस्तान में, इन दोनों से राबते के बाद और आपस में इजलास और इतफाक होने के बाद ही। बहुत शुक्रिया रशीद बलोच, तमाम तर तफसीलात के लिए।